देखो जो पाकिस्तानी ट्रक वगैरह है ना वो खस्ता हालत में पड़े है। देखो यहाँ पे अंजर पंजर ढीले हो गए, इसके हैंडल भी नहीं घूम रहा है इसका। ये देखो पाकिस्तान का लोगो यहाँ लगा हुआ है। देखो जब फायरिंग होती रहती थी ना तो इस तरह की ड्रेन्स बनी हुई थी एक बंकर से दूसरे बंकर में जाने के लिए, और हमारी आर्मी 50-55 डिग्री टेम्परेचर के आसपास इसमें गश्त लगाती है। तो ये टैंक वॉर के टाइम पे पकड़े गए थे इंडियन आर्मी द्वारा। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो अभी हमारी राजस्थान ट्रिप चल रही है और राजस्थान के जैसलमेर हाईवे पे है जो बीकानेर से सीधा राजस्थान की तरफ जाता है। ये नया ही हाईवे बना है, तो यहीं पे एक होटल में रुक गए थे हम रात को, श्री बालाजी होटल। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसी रहने की व्यवस्था है। बाकी देखो चारों तरफ रोड के रेत ही रहते हैं इस तरफ, वहाँ तो उधर टीले भी है थोड़े से, और ट्रक वाले रुकते हैं मैक्सिमम इस ढाबे पे। तो देखो ट्रक भी लोड हो रखे पूरे बड़े बड़े ट्रक थे, तो इसी होटल में हम रुके हुए थे यहाँ पे। बाकी ये जो ट्रक है ना इसमें जा रही है जो सरसों होते हैं ना उसकी पराली जा रही है, उसका कचरा जा रहा है ईंटों के भट्टों के लिए। मतलब भट्टे चालू हो गए हैं तो भट्टों में ईंटें पकाने के लिए इससे आग जलाई जाती है। बाकी भाई रात को मस्त बढ़िया नींद आई, बढ़िया था सोने का, मतलब खाट होती है अंदर और स्लीपिंग बैग लेके हम आराम से सो सकते हैं। रात को डिनर भी किया हमने, तो मैक्सिमम यहाँ पे ऐसा सिस्टम है कि आप खाना खा लो रात को और खाट आपको फ्री मिल जाएगी। अगर आपके पास बिस्तर अपना है, स्लीपिंग बैग या कंबल कुंबल अपना है, तो आपसे पैसे नहीं लेंगे। अगर इनसे आपको बिस्तर लेना है तो ये आपको चार्ज करेंगे। बाकी ये रहा अपना सामान, देखो यहाँ पे मैं सो रखा था, ये अपना स्लीपिंग बैग है, इसको इकट्ठा करना है। तो ऐसे यहाँ पे काफ़ी सारे लोग सो रखे थे, और बाइक भी देखो हमने अंदर ही ला रखी थी। तो इसको लोड करते हैं और निकलते हैं यहाँ से। जय शंकर, जय भगवती, करते हैं भगवान का नाम लेके आज की राइड शुरू। तो ये भाई थे राजकुमार भाई हैं, इनका ढाबा है श्री बालाजी हाईवे होटल, यहाँ पे आप भी रुक सकते हो। ठीक है भाई, हाँ बहुत अच्छा लगा मिलके, फिर मिलेंगे कभी, ठीक है ना, टेक केयर। ठीक है सर, तो जहाँ भी रुकते हैं लोग बाइक के बारे में पूछते हैं, हमारे बारे में पूछते हैं, इतनी दूर से कहाँ आ रहे हो, जैसे लोडेड बाइक देखते हैं और इतनी बड़ी बाइक देखते हैं। इतनी बड़ी तो क्या, ऐसे बड़ी बड़ी बाइक है, पर राजस्थान में लोग मैक्सिमम जो आम लोग हैं वो चलाते हैं आपका स्प्लेंडर हो गई, हीरो की बाइक्स हो गई, 135cc पल्सर हो गई। इतनी भारी बाइक वाले इंजन का यहाँ पे काम भी नहीं है इतना, तो इस वजह से ये थोड़े से हैरान रहते हैं। और सुबह सुबह थोड़ा सा कोहरा है, सनराइज हो चुका है देखो उस तरफ से, बढ़िया। आज अपनी जर्नी स्टार्ट हो रही है जैसलमेर की तरफ, और सुबह सुबह थोड़ी सी ठंडी हवा है पर इतनी दिक्कत नहीं है, ग्लव भी नहीं पहन रहे हैं हम आजकल। तो देखो यहाँ पे ऐसे घर होते हैं, कुछ गोल तरह के झोंपड़े से होते हैं, देखो ये मिट्टी के बनाए होते हैं और काफी मस्त होते हैं। सामने तो काफी धुंध हो रखी है, 100 मीटर के बाद कुछ भी नहीं दिख रहा है, इतनी धुंध है। शायद जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ना तो ये धुंध हट जाएगी। और दोनों तरफ रेत के टीले है, रेत ही रेत है सारी, थोड़ी थोड़ी झाड़ियाँ गई बीच में। तो ये भी रोज का ही काम है भाई, पेट्रोल पंप पे रुके है, मतलब ज़्यादा हम खाली नहीं होने देते पेट्रोल को, क्योंकि भाई ऐसा है कि अगला पेट्रोल पंप कहाँ मिले तो भरवा लेते हैं आराम से। और यहाँ पे काफ़ी ऊंचे ऊंचे टीले हैं रेत के, देखो इस तरफ भी और इस तरफ भी गजब टीले हैं। और आगे देखो हमारे को क्या मिला है, ओ भाई मोरे की बतख है। अभी हम जिस जगह पे पहुँचे उस जगह का नाम है बाप, और यहाँ से हमें राइट लेना है जैसलमेर के लिए। ये देखो जीप गाड़ी, जैसे हम जैसलमेर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ऐसी ऐसी गाड़ी हमारे को मिलती रहेगी, इधर को मैक्सिमम यही गाड़ियाँ चलती है। तो अभी हमने डिसाइड किया है हम जा रहे हैं सीधा लोंगेवाला, लोंगेवाला से फिर वापस में आके तनोट माता जाएंगे। लोंगेवाला ऐसी जगह है जहाँ पे जब वॉर हुआ था 1971 का, तो पाकिस्तान के जो जीप गाड़ियाँ वगैरह थी वो अंदर घुसे थे, तो वहाँ पे वो अवशेष है उसके, वो गाड़ियाँ वगैरह ऐसी है वहाँ पे रखी हुई लोंगेवाला में, तो वो आपको आज दिखाएंगे हम। और अभी लोंगेवाला यहाँ से काफ़ी दूर है, लगभग 250 किलोमीटर के आसपास है, टाइम अभी लगभग 10 बज चुके हैं। अभी तो जो सोलर प्लांट है ना उसके बीच से हम जा रहे हैं, बिल्कुल देखो बगल में इस तरफ को भी है और इस तरफ को भी है, ये देखो ये सोलर प्लांट है, और भाई बहुत दूर तक है यार, कसम से कई किलोमीटर के एरिए में फैला हुआ है। राजस्थान के लिए बिजली शायद यहीं से उत्पन्न होती है। अभी बढ़िया जंगल आ रखा है, और मुझे लगता है हमारे को इसमें कोई जंगली जानवर भी मिल सकते हैं अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो। भाई हिरन गया है यहाँ पे, माँ कसम भाग गया शायद से है, इसमें 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 देखो, ओ भाई
नीचे देखो 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 भाग रहे। मैं इसको पहले ही बोल दिया था मनीष को, मैं कहा चौकस रही हो, एकदम से वीडियो बना लेंगे। ये ऐसा एरिया लग रहा है ना मुझे कि इसमें मतलब जानवर होंगे ही होंगे। और दो हिरन थे, एक तो भाई लाल वाला एक नील गाय, दोनों साथ थे। ये ऐसा एरिया है पूरा, और थार डेजर्ट का ये एरिया है, इसमें काफी सारे जानवर पाए जाते हैं। यार जब हिरन है तो बाघ भी हो सकता है। और सच बताऊं ना भाई, तो इस एरिया से ऐसा फील आ रहा है जैसे साउथ अफ्रीका के जंगल भी होते हैं ना, सेम वैसा ही फील आ रहा है इसमें से। काफी घना है, और होप करते हैं और हमारे को जानवर दिखे और अच्छे से हम आपको भी दिखा पाए। डेजर्ट एरिया ये पूरा डेजर्ट। वैसे यहाँ पे काफी सारे पेड़ है, बीच बीच में जंगल आ रहे हैं, बीच बीच में कुछ गांव भी आ जाते हैं। और जो राजस्थान के लोग हैं वो पेड़ और इन जानवरों की पूजा करते हैं। खेजड़ी का पेड़ होता है, किसी को भी उस पेड़ को काटने नहीं देते। और दूसरा आपका जो काला हिरन है ना, विष्णुई समाज उसको भी बहुत पूजते हैं। और सामने देखो भाई, ये ट्रैक्टर कितने बड़े बड़े भूसे के ये ढेर ले आते हैं, भूसा होता है इसमें सारा। अरे देखो पूरा रेत है ऊपर ऊपर, टीले दोनों तरफ। मैं तो ऐसा सोचता हूँ भाई, इसमें से रोड कैसे निकाली होगी। मोटो ब्लॉगिंग का मतलब है जैसा हम फील कर रहे हैं वैसा आपको महसूस करा पाए। अपने को तो बहुत मजा आ रहा है भाई, ऐसा लग रहा है कि साउथ अफ्रीका में राइड कर रहे हैं। देखो डिस्कवरी और एनिमल प्लानेट में जैसे जंगल दिखाते हैं वैसे जंगल लग रहे हैं ये। मैक्सिमम जो लोग है वो आते हैं जयपुर उदयपुर सिटीज वगैरह, किले वगैरह देखते हैं। पर राजस्थान में ये जो ऑफबीट डेस्टिनेशन है, ये जंगल है, ये वीराने हैं, इसको देखने का भी मजा है। तो भाई अब बारी है मनीष भाई की चलाने की। अपन भी थोड़ा थक चुके हैं, मनीष भाई का मन भी होगा आप चलाने का थोड़ा। और ऐसे जब दोनों हम राइड करते हैं ना मिलकर, तो ऐसे डेस्टिनेशन भी जल्दी कवर हो जाती है। अकेला राइडर रोज इतनी हैक्टिक राइड करके, मतलब 300-400 किलोमीटर हम चला लेते हैं रोज, तो अकेला राइडर इतना राइड करके थोड़ा सा थक जाता है। और हमें ना इसमें ऊँट भी दिख रहे हैं, और ऊँट शायद से लगता है वो जंगली हो सकते हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है ना, रोड के साथ साथ ना नहर भी है इस तरफ से, तो पूरा जहाँ जहाँ से रोड है वहाँ वहाँ से नहर का पानी भी है गांव में पहुँचाया हुआ, तभी ये जानवर जिंदा रह पाते हैं। सफ़र अभी भी काफ़ी लंबा है, लोंगेवाला अभी भी 140 किलोमीटर दूर है। काफ़ी लंबा दिन रहने वाला है आज का भी, 12 बज चुके हैं। अब ब्रेकफास्ट अभी तक किया नहीं है भाई। वहाँ देखो ना नील गाय बैठी हुई है, बहुत बड़ी बड़ी है, भाग गई भाई। देखो वहाँ देखो कितनी बड़ी है भाई, हिरन भी है। ओ भाई साहब वहाँ भाग रही है, हिरन उस तरफ है। और ये जो मिट्टी है ना नीचे, इसमें ऐसा लग रहा है देखो पपड़ी सी जमी हुई है। ये चेक करोगे ना अगर आप, ये देखो इसमें पपड़ी जम रखी है, मतलब इसमें पानी रहता है जैसे बरसात वगैरह होती है ना, तो उस वजह से घास भी देखो थोड़ी थोड़ी है यहाँ पे, इस वजह से इसमें जानवर काफी है। देखो राजस्थान आते हुए मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं कहा ऊंट देखूंगा और थोड़े बहुत हिरन दिख जाएंगे, पर यहाँ पे पूरी साउथ अफ्रीका वाली फील आ रही है। जब डिस्कवरी वगैरह देखते थे ना, तो बचपन में ऐसे सोचते थे कि हिरन वगैरह को देखने के लिए साउथ अफ्रीका जाना पड़ेगा, पर पूरा लग रहा है ना भाई। देखो इसमें पालतू पशु भी है कुछ, और उन्हीं के साथ ही रहते हैं भाई नील गाय वगैरह। अभी यहाँ से हम यहाँ मेन सड़क है, वहाँ से उस तरफ गए थे उनको देखने। भूख काफ़ी लग रही थी और रुके थे थोड़ा स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, नमकीन बिस्किट थे अपने पास वो ही खा लिए, थोड़ा पानी पूनी पिया। और धूप मस्त लग रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई बैठे रहे धूप में। और चलना तो पड़ेगा भाई, टाइम कम है, डेस्टिनेशन कवर करनी पड़ेगी। और ये शायद से तंबाकू की खेती की गई है, तंबाकू है ये, इसके पत्ते निकाल के तंबाकू बनाया जाता है। जैसे जैसे अब हम पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भूमि और बंजर होती जा रही है, खेती खुती के निशान कम होते जा रहे हैं। तो भाई ये है देखो गमने वाला, और टैंकरों टुंकरों से यहाँ पे पानी आता है। ये सामने भी एक गांव आया है, और भेड़े वगैरह बहुत है भाई यहाँ पे, बहुत पशु है भाई ये देखो। सो फाइनली भाई लोंगे वाला वॉर मेमोरियल पहुँच चुके हैं, और पीछे हमने यहाँ पे गेट पे एंट्री भी करवा दी है, और यहीं पे वो पाकिस्तान के टैंक है जो जब्त किए गए थे इंडियन आर्मी द्वारा वॉर में। ये तो अपने टैंक रखे है भाई यहाँ पे सारे ना, ये इंडिया के हैं, और ये है पाकिस्तान का टैंक। देखो इस पे निशान भी लगा है, ये देखो वो यहाँ तक घुस गए थे अंदर, तो ये पाकिस्तान का टैंक है भाई। जो पाकिस्तान का फ्लैग है ना कुछ इस तरह से होता है, देखो निशान भी लगा हुआ है इस पे, तो ये टैंक वॉर के टाइम पे यहाँ पे
पकड़ी गई थी इंडियन आर्मी द्वारा। अभी हम वॉर मेमोरियल के अंदर आ रखे हैं, तो इसमें 2-3 टैंक पाकिस्तान के हैं जो उस टाइम इधर घुस गए थे हमारी सीमा में। देखो एक ये और टैंक पाकिस्तान का है, देखो इसमें पाकिस्तान का फ्लैग लगा है, वहाँ पे लिखा हुआ है डिस्ट्रॉयड पाकिस्तानी T-59 टैंक है। तो ये देखो उस टाइम के बंकर ऐसे कट्टे रखे होते हैं और इसके अंदर हमारे फौजी रहते थे भाई। तो यहाँ पे रेगिस्तान में कुछ इस तरह के बंकर बनाए जाते हैं, देखो आर्मी के यहाँ। अभी हम बंकर में आ चुके हैं पूरे। तो दो खाना था ना कोई टैंक सपोर्ट थी। तो भाई वॉर मेमोरियल की डॉक्यूमेंट्री भी सुन ली है, काफी मजा आया और काफी इन्फॉर्मेशन मिली उससे। और अभी हम जा रहे हैं, कुछ जो टैंक वगैरह है ना वो बाहर ही रखे है, उस टाइम नष्ट तो काफ़ी हुए थे, मतलब डिस्ट्रॉयड तो काफ़ी हुए थे, 2-4 ही मेमोरियल में रखे, कुछ यहाँ से उठा के जैसलमेर भी ले जा रखे, पर जो बाहर पड़े ना वो आपको एक बार दिखा देते हैं। ये अपने इंडियन आर्मी के बंकर थे उस टाइम के, ये देखो। तो लोंगेवाड़ा का जो वॉर था ना उसमें हमारे लगभग 120 सैनिक थे, हमारी आर्मी के हेडों ने उनको बोला भी था कि आप लोग पीछे हट जाओ वो लोग ज़्यादा है, पर हमारे जो आर्मी के कमांडेंट थे कुलदीप सिंह जी वो डटे रहे और उन्होंने अपनी सेना को भी यहाँ पे ठीक मनोबल दिया। उन 120 सैनिकों ने लगभग हजारों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिक थे उनको रोक के रखा और उनका डट के मुकाबला किया और उनके काफ़ी सारे टैंक तबाह कर दिए, लगभग 48 के आसपास बोलते हैं कि उनके टैंक तबाह किए थे। हमारे सिर्फ 2 जवान शहीद हुए थे और 2 गाड़ियों को नुकसान हुआ था। तो पाकिस्तान की जो आर्मी थी वो बहुत ज़्यादा थी उस टाइम, पूरी दुनिया ने भारतीय सेना की उस टाइम बहुत प्रशंसा की थी, इंडियन आर्मी ने अपनी थोड़ी सी सेना ने इतनी सारे पाकिस्तानी सैनिकों को जवाब दिया था। और लगभग ये वॉर हुआ था 4 दिसंबर के आसपास 1971 में। देखो जब फायरिंग होती रहती थी ना तो इस तरह की ड्रेन्स बनी हुई थी एक बंकर से दूसरे बंकर में जाने के लिए, देखो ये है पूरी, अब तो इसमें रेत भर चुकी है, ऐसे जगह जगह पे पाकिस्तानी टैंक पड़े हैं, देखो यहाँ तक घुस गए थे। और अब जो हमारा बॉर्डर है ना वो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर आगे है, तो काफ़ी पीछे उनको खदेड़ दिया था हमारी इंडियन आर्मी ने। देखो जो पाकिस्तानी ट्रक वगैरह है ना वो खस्ता हालत में पड़े हैं, देखो यहाँ पे अंजर पंजर ढीले हो गए, इसके हैंडल भी नहीं घूम रहा है इसका, ये देखो पाकिस्तान का लोगो यहाँ लगा हुआ है। तो सच बताऊँ ना दोस्तों यहाँ पे काफ़ी गर्मी है अभी भी, मतलब टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री के आसपास होगा, आप देख पा रहे होगे पसीना पसीना हो चुके हैं, और हमारी आर्मी 50-55 डिग्री टेम्परेचर के आसपास इसमें गश्त लगाती है, इसमें अपनी ड्यूटी देती है, तो सोचो कितनी टफ लाइफ है हमारी इंडियन आर्मी की, एक सल्यूट तो बनता है भाई। अभी लोंगेवाला से सीधा राइट लेके हम चल पड़े हैं तनोट माता मंदिर की तरफ। तनोट माता में बोलते हैं कि माता की इतनी शक्ति थी कि जो आपका पाकिस्तान ने बम के गोले फेंके थे ना वो फटे नहीं भाई, वो वहीं रहे, तो वो भी देखेंगे अभी, पर बोलते हैं कि 4 बजे से पहले पहले पहुंच जाना वहां पे बंद हो सकता है। तो 37 किलोमीटर है तनोट यहां से और टाइम 3:15 हो चुके हैं, तो काफ़ी स्पीड से जाना पड़ेगा। तनोट यहां से 2 किलोमीटर रह गया है और अब शायद से वो दिखने लग गया है, वहां पे घर वगैरह दिख रहे हैं कुछ थोड़े बहुत, यहां पे जो तालाब वगैरह है ना वो सूखे पड़े हैं बिल्कुल। तो भाई मंदिर में पहुंच चुके हैं और अभी दर्शन करते हैं और वो बम के गोले दिखाते हैं आपको जो मंदिर पे गिरे थे और फटे ही नहीं भाई। ये है तनोट माता मंदिर, मंदिर भी भाई काफी भव्य और काफी बड़ा है। माता का चमत्कार ऐसा था कि जब उस टाइम बमबारी की थी, वॉर के टाइम की थी बमबारी पाकिस्तान ने, तो उनके जो यहाँ पे गोले गिरे थे ना वो फटे ही नहीं थे भाई, इतनी कृपा रही थी। ये भाई तनोट माता जी का मंदिर, देखो ये वो बम है भाई। तो देखो इसमें लिख भी रखा है माता के चमत्कार द्वारा ना फटने वाले पाकिस्तानी बम। मंदिर के ठीक साथ में भाई एक कुआं भी है जिसे प्राचीन कुएं के नाम से जाना जाता है और काफी गहरा ये कुआं है भाई, गजब। तो भाई बढ़िया से तनोट माता के दर्शन भी कर लिए और अभी आए बस पराठा खाने के लिए, सुबह से कुछ भी नहीं खाया, बस नमकीन थी अपने पास थोड़ी सी वो खाई थी, भाग दौड़ में इस चक्कर में थोड़े से जल्दी आ गए थे, यहाँ से बॉर्डर पे ले जाते हैं बॉर्डर दिखाने के लिए तनोट माता से, तो हम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास 2-व्हीलर है, अगर 2-व्हीलर है आपके पास बाइक है ना तो फिर आप नहीं जा सकते, हमारे पास भी 2-व्हीलर ही है और वहाँ पे पीछे से दिखाते हैं 400-500 मीटर पीछे से बॉर्डर। तो फाइनली भाई हमारा पराठा तो आ चुका है, अब हमारा लंच हो रहा है 5 बजे, तो अभी बढ़िया से खाना खाते हैं और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर यहाँ तक वीडियो देखिए ना तो एक कमेंट किए बिना बिल्कुल मत जाना। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड जय हिंद।